जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा कर गिरोह के सरगना और एक महिला सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के गिरोह से पुलिस ने 6 लाख रुपए मूल्य के जेवर, एक बाइक, एक ऑटो और हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए लुटेरों ने NCR क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। सुजी पुलिस टीम के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अमित, सुमित, अंकित, आसिफ और इला। इनका जो मेन ये जो घटनाएं करते थे, ये अपनी इनके पास एक गाड़ी होती थी इको स्पोर्ट या ऑटो में बिठा के, जो सवारी इनके साथ बैठती थी उनके साथ लूटपाट की घटनाएं ये करते थे और रात के टाइम में इन्होंने चोरी की घटनाएं भी कारित की हैं। यहाँ पे हापुड़ जनपद में 3 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ और इसमें 2 जो अभियुक्त हैं अमित और सुमित, ये दोनों इसमें वांछित भी थे पुराने मुकदमों में। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अन्य जनपद जैसे कि गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और आसपास के जनपदों में भी इन्होंने ऐसी ये लूट की घटनाएं और चोरी की घटनाएं कारित की हैं। जिनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें लगभग 6 लाख रुपए की ज्वेलरी हमें मिली है, एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल भी इनके कब्जे से बरामद की गई है और 2 असले इनसे मिले हैं। बाकी और इनसे पूछताछ की गई है और इंटरोगेशन में और जो फैक्ट्स आएंगे उनके बेसिस पे हम आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने रविवार को हापुड़ में पत्रकारों को बताया कि गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए गढ़ के जंगल में बदमाश इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस ने सूचना को सटीक मानकर गढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बदमाशों को जा घेरा और मौके से एक महिला सहित 5 लुटेरों को दबोच लिया, जिसमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।